दोस्तों यही हमारे ट्रांसपोर्टर भाई लोग हैं। और तो कहाँ का माल हुआ अपना? मेघालय का माल। मेघालय के लोग। दोस्तों अभी हम लोग इंडस्ट्री एरिया आ गए हैं। ये जगह नाम बेरना बोलते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है इंडस्ट्री एरिया। हर चीज़ का अलग अलग है। पार्किंग वगैरह बहुत अच्छा सुविधा बनाया है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और आप जाके हमारा नंबर आया। ये देखिए अभी हम लोग जा रहे गाड़ी लेकर। दोस्तों अभी गाड़ी देखिए हम लोग लगा दिए कंपनी में और अपना गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अभी तो हमारा गोवा से इस कोना से लेकर उस कोना तक का हम जाने वाले हैं, लेकिन हमको कश्मीर से कन्याकुमारी का भी एक सफर लेना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग गोवा में ही हैं और पिछला ब्लॉग में हम लोग देखे थे कि हम लोग गोवा घूमने गए थे, तो आज भी हम लोग घूमने का प्लानिंग था लेकिन लोडिंग में आ गया है। तो लोडिंग में आ गया, ये हमारे सामने ट्रांसपोर्टर लोग भी है, पूरे ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे। और तो हम लोग जाने वाले आज लोडिंग में, तो लोड करके क्योंकि छुट्टी पड़ जा रहा है, कल संडे है, फिर 1 जनवरी भी है, तो उसके लिए छुट्टी पड़ जा रहा है। सोच रहे हैं लोड करके खड़ा करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे लोडिंग के घूमने के लिए। दोस्तों यही हमारे ट्रांसपोर्टर भाई लोग हैं। और तो कहाँ का माल हुआ अपना? मेघालय का माल। मेघालय का लोड। तो आज आपको इसलिए भरने जाना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, तो आज भर लो गाड़ी, उसके बाद में खड़ी करके फिर आप घूमने जा सकते हैं। हाँ वही ना बात है, पहली बार आए इधर, थोड़ा घूमना फिरना भी बनता भी है। जरूरी है वो घूमना भी, आप आए गोवा में तो गोवा भी देखना जरूरी है आपके लिए। तो बेरना इंडस्ट्री एरिया जाना है, तो कैसे जाना जब बता दीजिए। आप यहाँ से निकलिए, यहाँ से राइट मार के सीधा 16 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। आप यहाँ से आगे जाएंगे, आगे एक बोरी ब्रिज पड़ेगा। हाँ। बोरी ब्रिज को पार करने के बाद वहाँ से राइट मारेंगे तो एक 5-6 किलोमीटर आगे जाके बेरना इंडस्ट्री एरिया है। ये हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं। हाँ। और आप भी चल रहे हैं क्या? मैं चल रहा हूँ, मैं वहाँ भी आपको ड्रॉप कर देता हूँ आगे रास्ते। चलिए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं तो हमको जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचा देंगे। हाईवे तक है कि आपके सब्सक्राइब मिल गए छोड़ देंगे हम भाई। सब्सक्राइबर भाई से हमको बहुत हेल्प मिलता है, हमको कहीं जाना होता है ना तो बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग। बात है कि भाई भी आए हैं दूर से और ये आपको वहाँ तक छोड़ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। चलिए आते हैं लोड करके। ओके 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 भाई, आते हैं लोड करके। आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर भाई, आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो ड्राइवर भाई से, आते हैं। ठीक आते हैं। ओके हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। दोस्तों अभी हम लोग इंडस्ट्री एरिया आ गए हैं। ये जगह नाम बेरना बोलते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है इंडस्ट्री एरिया। हर चीज़ का अलग अलग है, मतलब मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा होगा, कार वहाँ खड़ा होगा, ट्रक जो है वो वहाँ खड़ा होगा। पार्किंग वगैरह बहुत अच्छा सुविधा बनाया है। तो ठीक है दोस्तों, हम भी आ गए हैं टाइम से ही, और शनिवार आज तो लोड भी हो जाएगा, तो कल छुट्टी है संडे का, फिर 1 जनवरी का भी छुट्टी है, तो उसके लिए करके आज हमको लोड करना भी गाड़ी जरूरी था। दोस्तों अभी इंडस्ट्री एरिया आ गए हैं और मेरा गाड़ी भी यहाँ पहुँच के देख सकते हैं, गाड़ी लगा हुआ साइड में, बहुत सा गाड़ी खड़ा है। तो लोडिंग में भी टाइम है क्योंकि 2-3 गाड़ी आया पहले से भी आया हुआ यहाँ पे, तो हम लोग को बताया कि कहीं पर पार्किंग, तो ये भी पार्किंग है, आगे ही पार्किंग है, तो वहाँ पर लगा करके आज निश्चित रहेंगे। और पार्टी वाले जो है हमारे गेट वाले जो करते हैं एंट्री, वो बोले हम कॉल करके बुला लेंगे क्योंकि उनके गेट के पास में तो जगह कम है, क्योंकि और भी गाड़ी आया हुआ। और ये भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको यहाँ तक छोड़े हमको। हाँ, हमारे सब्सक्राइब भाई लोग यही प्यार दे करके हमको भी ये लगता है कि हाँ भाई चलिए, हमको बहुत सपोर्ट मिलता है सब्सक्राइब भाई लोग, सही बता रहे हैं। हमको अनजान जगह पे हमको यहाँ तक पहुँचाया, हम तो यहाँ आ भी नहीं सकते, बहुत दिक्कत है क्योंकि नया जगह पर सब दिक्कत होता है। एक दो बार चलने के बाद जो है फिर आदमी रास्ता को समझ जाता है। चलिए ठीक है, आपको बहुत दूर आए यहाँ तक छोड़ने के लिए। ठीक है, अभी निकलिएगा आप भी। हाँ मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, हम भी लोड करते हैं, लोड करने के बाद देखते हैं मेरा आगे प्रोग्राम क्या है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और आप जाके हमारा नंबर आया। ये देखिए अभी हम लोग जा रहे गाड़ी लेकर, इतना लेट हो गया, हम लोगों को लगा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमसे पहले 2 गाड़ी था तो वो गाड़ी लोड हो गया बोले थे, उसके बाद अपना नंबर आएगा। अब जा रहे हैं हम लोग लेके गाड़ी, कंपनी तो यही बगल में ही है। दोस्तों अभी गाड़ी देखिए हम लोग लगा दिए कंपनी में और अपना गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो गया है, तो करीब 1 घंटा के आसपास लगेगा हमारा गाड़ी लोड हो जाएगा। फिर दोस्तों मेरे गाड़ी में लोडिंग चालू हो चुका है और पेटी वाला माल है ये, पहले कार्टून वगैरह नहीं है, छोटा बड़ा बड़ा मशीन है और वो पूरा लकड़ी से पूरा पैक किया हुआ है। वो अच्छा है क्योंकि 2-4-5 पेटी लोड ही होगा और वहाँ पर खाली करने में भी हो सकता है, वो लोग यहाँ तो जुगाड़ नहीं देखे हम, वो लिफ्ट से ही करता है लोग, वहाँ हो सकता है कुछ और जुगाड़ होगा। अगर नहीं होगा कि नया फैक्ट्री प्लांट जहाँ बनता है वहाँ ये सब माल ज़्यादा जाता है, तो वहाँ अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा उतारने में वहाँ, क्योंकि बड़ा पेटी है, छोटा पेटी तो खो हो जाएगा जल्दी। तो ज़्यादा वजन भी नहीं है सबका, 200-300 किलो वजन है, लेकिन लंबा कारण थोड़ा सा उतारने चढ़ने में दिक्कत होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी लोड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ साइड में खड़ा करेंगे, कागज़ में भी समय लगता है, कागज़ ये सब मटेरियल में ना कागज़ में समय, छोटा मोटा माल होता है कागज़ जल्दी बन जाता है, और ये सब मशीन वगैरह में थोड़ा कागज़ वगैरह सब लेट से बनता है। दोस्तों अभी रात के 10:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा गाड़ी लोड नहीं हुआ है, लगभग मतलब कंप्लीट हो गया है और 4-5 पेटी बचा हुआ है। तो अभी क्या है, इनका डिनर टाइम हो गया है तो अब वो लोग भी खाने के लिए चले गए, करीब 1 घंटा के बाद आएंगे,
फिर लोडिंग होगा। थोड़ा भारी माल है इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसे तो हम लोग को बोले थे 1 घंटा के आसपास लगेगा। और दोस्तों ऐसे भी हम लोग दोपहर में मैगी बना के खा लिए थे इसलिए अभी रात में खाना मंगा लिए है। ये देखिए हम लोगों को तो लगा नहीं था इतना टाइम लगेगा लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो यही मंगाया है, दाल तड़का और रोटी अपना। दोस्तों अभी रात के 12 बज चुका है और हमारा गाड़ी लोड हो गया है और मेरे बाद वो छोटा गाड़ी भी लग गया लोडिंग में, तो उसका भी लोड करेगा तभी कागज उगज मिलेगा क्योंकि दोनों का एक ही जगह का माल है। तो कुछ ऐसा माल सेटिंग था कि एक बड़ा गाड़ी एक छोटा गाड़ी चाहिए था, तो जितना माल था मेरे में आ गया, जो बचा हुआ था उस गाड़ी में लोड हो रहा है। तो वो तो खैर अलग ड्राइवर है क्योंकि लोग तो बदली में आता है, तो वो गाड़ी तो महाराष्ट्र का ही है। तो खैर हमारा उसका ये नहीं कि हम लोग साथ में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको अलग अलग हमको मिलेगा कागज मिलेगा लेकिन पूरा माल लोड होने के बाद। दोस्तों रात के 12 तो बज चुका था, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। अब वो जो मेरा पार्टी जो है वो बोला कि आप आराम से सो जाइए, जब दोनों गाड़ी हो जाएगा तो एक साथ बेबी विल सब बनेगा। दोस्तों इस बार जो हमारा माल लोड हुआ है वो हो गया है मेघालय का। तो यहाँ से मेघालय का जो प्लांट है, आप लोग देखे हैं कि मेघालय में बहुत सा प्लांट है वहाँ सीमेंट प्लांट, तो वहीं पर जाएगा मेरा माल। लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर जाएगा वो अभी शहर का नाम नहीं मिला हमको, जो कागज़ नहीं मिला तो हम बता नहीं सकते हैं। तो मेरा लोकेशन देखिए ये है मेरा मेघालय का। तो अभी हम सर्च मार कर देख रहे थे मेघालय का किलोमीटर, तो इस बार तो मतलब कि सबसे ज़्यादा ही है, करीब 3000 पार कर गया इस बार किलोमीटर हमारा। तो 3000 किलोमीटर अभी हमको जाने का प्लानिंग यहाँ से नागपुर रायपुर होकर के अपना रांची रामगढ़ होकर ही जाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, घर का भी काम चल रहा है वो भी देखना है और उसके बाद वो आगे का सफ़र रहेगा। तो रास्ता तो कई है ऐसे, लेकिन हर सब रास्ता में 150-200 किलोमीटर 50 मिनट फर्क पड़ता है, तो खैर ऐसा कोई बात नहीं, अपना भी रास्ता सही है। तो मतलब दोस्तों ये हम लोग का लगता है कि आज तक का सबसे लंबा ट्रिप होगा, 3200 किलोमीटर का। हाँ इस बार का मतलब 3200 किलोमीटर का सफर हो रहा है, ऐसे तो हिंदुस्तान तो उससे और भी आगे है। दोस्तों अभी तो हमारा गोवा से इस कोना से लेकर उस कोना तक का हम जाने वाले हैं, लेकिन हमको कश्मीर से कन्याकुमारी का भी एक सफ़र लेना है जिसमें कि पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम हिंदुस्तान का जो हम नक्शा देखते हैं ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, एक बार वो सफ़र हमको करना है। और उस बीच में कई स्टेट आएंगे बीच में, तो वो सफ़र देखते हैं अब कब होगा, नसीब में कब आता है वो देखा जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी हमारा करीब 3200 किलोमीटर का सफ़र का माल लोड हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, सुबह कागज़ वगैरह सब मिलेगा, मिलने का तो दे देगा लेकिन काफ़ी रात कर देगा ये लोग, तो हम लोग तो 2-4 घंटा सो लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों सुबह हो गया और गाड़ी लेके हम लोग प्लांट से निकल गए हैं और जा रहे हैं जहाँ पे खड़े थे अपना पार्किंग पे, उसी जगह पे जा रहे हैं। दोस्तों अभी पार्किंग पे लगा दिए गाड़ी, ये देखिए मेरा गाड़ी खड़ा है और सब भी गाड़ी खड़ा है, तो यहीं पर हमारा ट्रांसपोर्ट है। तो गाड़ी लोड भी हो गया, अब हम निश्चित भी हो गए। दोस्तों ड्राइवर ऊपर जो हम जो एक वीडियो बनाए थे, पिछला वीडियो देखे थे आप लोग, जो उसके ऊपर नया कानून जो लगा है उसके लेकर के, तो हमारा कमेंट भी बहुत आया था, तो आधे लोग बताया कि सही है, आधे लोग बता रहे गलत है। तो हम तो एक ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के हैसियत से बताते हैं कि भाई गलत है वो चीज़, क्योंकि इतना लंबा 10 साल सज़ा बहुत हो जाता है वो, तो उतना फिर उसका ड्राइवर का बीवी परिवार बच्चा कहाँ जाएगा फिर वो 10 साल के लिए, और फिर जुर्माना भी इतना है कि 5 लाख 10 लाख, तो मान ली उतना ड्राइवर कमाता नहीं है तो कहाँ से दे पाएगा उतना। तो उसी लेकर के ये जो 2-3 तारीख तक का जो है अभी कुछ हो रहा है, तो हम लोग भी गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और सब गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद ही कुछ 2-3 तारीख तक क्लियर हो ही जाएगा कि क्या मतलब चेंजिंग आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जो है जब कुछ ना कुछ रिपोर्ट आ ही जाएगा हम लोग के पास। दोस्तों कोई अगर नया कानून या रूल बनाना चाहिए था तो ऐसा बनाते कि हाँ अगर रास्ता में दारू पी के चला रहा पकड़ा गया तो उसके ऊपर कुछ मतलब जुर्माना करे, तो इतना भी नहीं कि अगला दे ना पाए या फिर बर्बाद हो जाए, ऐसा भी नहीं, लिमिट एक होना चाहिए किसी भी चीज़ का। दोस्तों आप लोग भी बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हैं, मोबाइल पे भी आ रहा है कि हर जगह का जितना भी यूनियन जो है बहुत सा अलग अलग अपना अपना अलग अलग है, तो सब अपना स्ट्राइक में है। तो किसी का कहना है कि नहीं हम गाड़ी खड़ा करके जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम जाम कि मतलब स्ट्राइक करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ अभी थोड़ा चल रहा है अभी। तो जो भी है सरकार को इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए। दोस्तों रूल में कुछ ऐसा चेंजिंग आना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो भाई ड्राइवर भी वहाँ पे खड़ा रहेगा, सब मिलजुल के उसको जा करके हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा के सब करवाएगा, और पब्लिक अगर उस बीच में कहीं मारपीट हो जाता है तो इसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए कि फिर वो ड्राइवर इसी लेके भागता है डर से, तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए ठीक है ड्राइवर भी साथ में है, उसका अगर क्या खर्चा हो रहा है क्या हो रहा है, ड्राइवर मालिक मिल करके उसका इलाज करा दिया ये करा दिया, वो बात एक अलग है। लेकिन जो मारपीट हो जाता है तो सरकार कहता है भाग जाना, तो भागता तो ड्राइवर उसी डर से है कि हमारे ऊपर भी ना मारपीट कर दे सब। ऐसा रूल बनना चाहिए कि ड्राइवर पर कोई हाथ ना उठावे, और हाथ उठाएगा उसके ऊपर अगर कोई बड़ा घटना हो जाता उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इस टाइप होना चाहिए, तो आदमी जो है कि फिर वैसा नहीं करेगा, ऐसा कानून होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो भागने पर कर दे रहा है, तो ये तो बहुत गलत हो जा रहा है। दोस्तों आज तो संडे है और 31 दिसंबर भी है,
तो सबसे पहले तो हमारा ब्लॉग ये कल आएगा, तो आप लोग को पहले से ही एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, क्योंकि ये नहाने वाने साधन वगैरह सब कुछ है। तो आज हम लोग कोई प्लानिंग हो रहा है, हो सकता है कि हम लोग भी आज हम लोग घूमने जा सकते हैं, तो निकलेंगे घूमने के लिए यहाँ। दोस्तों ये लास्ट ईयर का लास्ट ब्लॉग है हमारा। दोस्तों अब मिलते हैं नए साल में नए ब्लॉग के साथ और लंबे ट्रिप के लिए। यहाँ से जान भी रहे आप लोग को बता चुके हैं कि 3100 किलोमीटर लगभग जाना है हम लोग को। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।